अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आरएमटी। मुझे उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैर से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बेटा, आपके पास इस वक्त जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है कि सर हमारे पेपर कब होंगे, मतलब FSC के, ICS, ICOM, BCOM, ठीक है, मैट्रिक, ये तमाम के तमाम स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि सर हमारे पेपर्स के मतलब बताएं कि डेट कब आएगी। लेकिन बेटा, एक बात जहन में रख लें, जो बोर्ड है उसने देख सकते हैं अभी तक ये नहीं बताया कि आपके पास जो पेपर्स हैं उनकी डेट जो है वो एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। प्लीज़ पूरी डिटेल के साथ बात सुन लीजिएगा कि आपके पास, और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल हैं पंजाब बोर्ड के तो डिसाइड हो गया नहीं हो रहे, लेकिन फेडरल बोर्ड के बाकी जो बोर्ड हैं उनका डिसाइड नहीं हुआ कि प्रैक्टिकल लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन जो आपको जो होने जा रहा है, जो नज़र आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पेपर जो हैं वो लेट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। ये आज की ही खबर है, ज़रा इसका जो कोरोना के जो केसेस चल रहे हैं उनके जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, अगर आज की जो अभी एक घंटा पहले की जो रिपोर्ट है अगर उसको आप एक बार ज़रा सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे होने क्या जा रहा है। तो ज़रा स्टूडेंट सुन लें। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद जाबहत, अमवास की मजमूई तादाद 8361 हो गई। स्टूडेंट्स, आपने सुन लिया, देख सकते हैं आपके पास आज 58 लोगों की डेथ हुई है। जो अगर देखा जाए कोरोना के जो केसेस हैं उनके हालात को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो पेपर जो हैं आपके जो 2021 के जो फाइनल हैं, ये पक्की क्लियर कट बात है कि आपके पेपर जो हैं वो लेट होंगे। अब आया कि आपके पास वो 2 मंथ लेट होंगे या 3 मंथ लेट होंगे, इन चीज़ों को अब देखा जाएगा। आपके पास वैसे तो आपके जो पेपर हैं पंजाब बोर्ड की तो 100% गारंटी है कि उनके पेपर लेट हो रहे हैं। बाकी जो फेडरल है या बाकी जितने भी 29 बोर्ड्स हैं, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या इमरान खान ने जो कहा था कि पीछे कि आपके पास ये अच्छा स्टेप था कि इनको हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि अगर ये बंद ना करते जो हालात नज़र आ रहे हैं वो तो बहुत ही बुरे हैं। और लेकिन ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, एक बार थोड़ी सी एक और क्लिप सुनाता हूँ, ज़रा इसको भी सुन लीजिएगा, फिर आपको और अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये ठीक है या गलत है। सुने, एक दिन में कोरोना के मजीद 3,308 केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। हैदराबाद के 12 इलाकों और 6 यूनियन काउंसिल्स में कल से 16 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल्स और दुकानों के खिलाफ कार्रवाइयां। सुन लिया आपने, देख सकते हैं आपके पास जितने होटल्स हैं इन तमाम चीज़ें इनको बंद करने जा रहे हैं, ये इनके ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। अब आपके पास ये बात क्लियर कट है कि पेपर तो लाजमी होंगे, पेपर स्टूडेंट, ये चीज़ जहन में रखनी है, लेकिन ये है कि आपके पेपर जो हैं वो थोड़े से लेट होंगे। एक महीना जैसे आपके पास पहले अप्रैल में थे, पेपर होते थे मैट्रिक के, और उसके अलावा आगे थोड़े से चल जाते थे इंटर के, अब ये 2 महीने, महीना डेढ़ महीना चले जा सकते हैं। लेकिन एक बात अभी भी थोड़ी सी डाउट में है कि बोर्ड ने अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जो है नहीं दिया कि हम पेपर लेट लेंगे। उन्होंने आपको फेडरल बोर्ड के, मैंने चेयरमैन के पिछले भी इंटरव्यू सुनाए हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन पेपर लेट लेंगे, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं अगर उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके पेपर जो हैं वो काफ़ी लेट होने के चांसेस हैं। लेकिन ये स्टूडेंट, आप थोड़ा सा, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये बार बार बात की कि सर कब होंगे, तो मैंने उनको सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ कही है कि आपके पास बेटा आपने परेशान नहीं होना, आपने अपनी तैयारी करनी है, पेपर लाजमी होंगे, इस चीज़ को क्लियर कट अपने माइंड में अपने रखना है। इस चीज़ में नहीं रहना कि हमारे पेपर हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, कोई ऐसा केस नहीं होगा। 1 महीना या 2 महीने पेपर लेट हो सकते हैं, ये बात है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को अपनी जगह पर रखें, लेकिन अपनी जो तैयारी है उसको फुल तैयार रखें। हो सकता है आपके पास 20 दिन के बाद कोरोना खत्म हो जाए और आपके स्कूल कॉलेज ओपन हो जाएं, तो फिर क्या करेंगे। तो लिहाजा स्टूडेंट, अभी तक बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लिहाजा अपनी तैयारी कीजिएगा। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा।